नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, खुशखबरी है पशुधन सहायक वालों के लिए और पशु चिकित्सकों के लिए। साथियों, हाल ही में जो पशु मित्र योजना जो घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा, और अभी 4 दिन पहले ही इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसके फुल डिटेल्स जो है मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी, ये थंबनेल आप देख सकते हो, ये पूरी जानकारी आप यहाँ पर वीडियो पर जाके देख सकते हो। और साथियों, इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। और आज के इस वीडियो में साथियों, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ऑफिशियली जो एनिमल हस्बेंड्री की वेबसाइट है वहाँ पर, और योजना के लिए आवेदन भी आमंत्रित करना शुरू कर दिए गए हैं। अब जो है साथियों, कितनी तारीख से कितने दिन तक ये फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, कैसे करने हैं, कहाँ पर करने हैं, आज के वीडियो में पूरी जानकारी है। ये एक और न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके थ्रू मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। पशु मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं, उसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और ये लेटेस्ट न्यूज है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, राजस्थान सरकार पशुपालन निदेशालय जयपुर, और विज्ञापन 2023-53-72 विज्ञापन नंबर है, और दिनांक 30 मई 2023 ये जारी किया गया है। पशु मित्र योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं, डेट आ गई है। पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ पशुपालकों के द्वार तक पहुंचाने के लिए राज्य के समस्त जिलों में कुल 5000 युवा बेरोजगार पशु चिकित्सकों एवं पशुधन सहायकों को नियत मानदेय पर रखे जाने हेतु पशु मित्र योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए जाते हैं। आवेदन आमंत्रण का न्योता आ चुका है दोस्तों आपके लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आगे की जानकारी कि इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की अवधि में अपना आवेदन संबंधित जिले के जिला स्तरीय कार्यालय संयुक्त निदेशक या उप निदेशक पशुपालन विभाग कोचामन सिटी नागौर में प्रस्तुत कर सकते हैं। और योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप पशुपालन विभाग की वेबसाइट animalhusbandry.rajasthan.in पर उपलब्ध है। ठीक है साथियों, इस वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी और आवेदन भी उपलब्ध है। वो जो 20 पेज का जो साथियों PDF जो अपलोड किया गया है, उसमें पूरी जानकारी भी है, और उसके अलावा उसमें फॉर्म भी दे रखा है, जिसकी प्रिंट निकाल कर आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं अपने नज़दीकी कार्यालय संयुक्त निदेशक में। ठीक है साथियों, अपना आवेदन संबंधित जिले के जिला स्तरीय कार्यालय, जैसे कि कोई उदयपुर, जयपुर, नागौर, इस प्रकार जिनका भी जिला है, और उसी संबंधित जिले के जो जिला स्तरीय कार्यालय है जो संयुक्त निदेशक या उप निदेशक पशुपालन विभाग कोचामन सिटी नागौर में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई उदयपुर का है तो उदयपुर में जाकर जो संयुक्त निदेशक है वहां पर जाके जमा करवाए, नागौर का नागौर में जाके जमा करवाए। तो अपने अपने जो जिला स्तर का जो कार्यालय है वहां पर जाकर ये आपको ये फॉर्म जमा करवाना है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अवधि में, यानी कि आज 30 तारीख है, तो 30 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है ऑफलाइन माध्यम से, और ये फॉर्म आपको वहां पर जमा करवाना है। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए साथियों, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, और अगला एक और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको और पूरी अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में ये जो सूचना जारी हुई है कि फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो है कमेंट आ रहे थे कि फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे, तो इस ये आज से अगले 15 दिनों तक फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, और अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर जाकर इसकी और जानकारी आप ले सकते हो। अपने डॉक्टर वेटरनरी ऑफिसर है जो आपका नज़दीकी है, जो पंचायत है वहाँ पर जाकर आप अपना पूरा और भी बायोडाटा ले सकते हो। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि क्या करना है। और डॉक्यूमेंट में विशेष तौर पर साथियों, एक तो आपका राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, और 12वीं की मार्कशीट, और डिप्लोमा आपका जो कंप्लीट होना चाहिए, दोनों साल का कंप्लीट डिप्लोमा किया हुआ, और जो डिग्री वाले हैं उनके लिए डिग्री होनी चाहिए, और जो काउंसलिंग है उनका उनमें ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये जो सूचना आई थी वो मैंने बताई है कि फॉर्म अप्लाई शुरू हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी जानकारी बताने वाला हूँ इसे पशु मित्र योजना के तहत जो भी
और भी कोई इंफॉर्मेशन है तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। और साथियों कई सारे विद्यार्थियों का ये भी सवाल है कि सैलरी क्या रहेगी, तो साथियों सैलरी का पूरा डेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आज के वीडियो में बस इतने बताना चाहता हूँ कि फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं अपने जो भी जिला स्तर पर, जब भी आपका कार्यालय लगता है वहाँ पर जाके फॉर्म अप्लाई करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है साथियों, जय हिंद वंदे मातरम।